क्वारी नदी में डूबने से एक की मौत, दो जवान लापता, 20 घंटे से रेस्क्यू लगातार जारी, 8 थानों की पुलिस मौके पर मुस्तैद। दियात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कचंगुरा गांव में विगत शाम 4 से 5 बजे के लगभग क्वारी नदी में अधिक बहाव होने की वजह से उसमें एक गाय फंस गई। गाय को देख ग्रामीणों ने क्वारी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन अधिक बहाव होने की वजह से एक व्यक्ति के डूबने से मौत हो गई तथा रेस्क्यू करने गए दो जवान भी लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही देर रात कलेक्टर संजय श्रीवास्तव व पुलिस कप्तान हर्षित यादव तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। डूबे हुए दोनों लोगों की तलाश में सर्च अभियान देर रात्रि जारी रहा। अंधेरा होने की वजह से सर्च अभियान में दिक्कतें भी हो रही थी। घटना दियात थाना क्षेत्र के कचंगुरा गांव की देर रात की है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को कचंगुरा गांव के पास स्थित क्वारी नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। इस बहाव में एक गाय फंस गई थी। गाय को बचाने के लिए गांव के ही विजय कुशवाहा नदी के पानी में उतर गए। गाय के साथ वह भी पानी में फंस कर रह गए। अधिक भंवर होने की वजह से और रपटा होने की वजह से पानी तेज बहाव से वहां गिर रहा था, तभी वह वहां फंस गए। उन्हें बचाने के लिए गांव के 3-4 लोग पानी में उतरे, लेकिन विजय कुशवाहा को तो नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दिनेश भदौरिया नदी के पानी में फंस गए। दिनेश भदौरिया को पानी से निकालने के लिए SDRF टीम को सूचना दी गई, तभी मौके पर SDRF टीम भी मौके पर पहुंच गई। SDRF के 2 जवान डूब गए। मौके पर पहुंची NDRF की टीम ने अपना मिशन शुरू किया। जैसे ही रेस्क्यू शुरू हुआ तो इस टीम में शामिल प्रवीण व हरदास और राहुल ने नदी के पानी में उतर कर दिनेश को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन इस रेस्क्यू के दौरान प्रवीण और हरदास नदी के पानी में ही गायब हो गए। NDRF की टीम के 2 सदस्य नदी के पानी में गायब होने से जिले में हड़कंप मच गया। देर रात जैसे ही सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो मौके पर पुलिस कप्तान हर्षित यादव व कलेक्टर संजय श्रीवास्तव सहित एडिशनल SP संजीव पाठक भी तत्काल बिना समय बिताए मौके पर पहुंच गए। देखिए किस तरीके से पानी इसी रपटा से तेज भाव से ये जवान यहीं से लापता हो गए। रेस्क्यू करते समय अपने साथियों को खोज रही NDRF के जवान यहीं लापता हो गए। नदी में लापता हुए दोनों लोगों को खोजने के लिए मौके पर फिलहाल 20 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है और सर्च अभियान लगातार जारी है। रात्रि में अंधेरा होने की वजह से सर्च अभियान में काफ़ी दिक्कतें हुई। नदी का बहाव बहुत तेज था, ऐसे में रेस्क्यू टीमों को मुश्किलों का भी सामना करते हुए सर्च अभियान देर रात्रि चलाना पड़ा था। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह सर्च अभियान पुनः चालू हो गया और सुबह से लेकर खबर लिखे जाने तक लगातार रेस्क्यू जारी है। इसी दौरान ग्रामीणों ने NDRF टीम के जवानों के साथ झूमा झटकी भी की और वक कमांडेंट के साथ हाथापाई भी की। ग्रामीणों को आक्रोश है और उनका कहना है कि सही तरीके से रेस्क्यू किया नहीं जा रहा है। तभी जैसे ही झूमा झटकी की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस भी भारी पुलिस बल तकरीबन 8 थाना प्रभारियों के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और सुरक्षा के दृष्टि से वहां तैनात हैं। लगातार रेस्क्यू जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि 20 घंटे से अधिक समय हो गया है और अभी तक जवानों की तलाशी और सब बरामद नहीं हुए, आखिर जवान है कहाँ। लेकिन लगातार पुलिस वहां मुस्तैद है। DIG आपदा प्रबंधन मनीष अग्रवाल भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी कचंगुरा के घाट पर पहुंचकर मौका स्थल को देखा। वहीं डिवीजन कमांडेंट मनीष सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी मौका मुआयना किया और तत्काल रेस्क्यू तेज करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। ग्रामीणों को पुलिस खदेड़ती हुई, बड़ी संख्या में ग्रामीण कचंगुरा गांव के लोग घाट की तरफ बढ़ रहे थे और कई दौरान झूमा झटकी भी हुई, लेकिन झूमा झटकी के बीच बचाव में पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा और कहा रेस्क्यू चल रहा है, आप लोग अपने अपने घर पर रहिए, जब तक रेस्क्यू ना हो जाए तब तक आप व्यवधान पैदा ना करें।
अपनी अपने साथियों को खोज में लगी है। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की ग्वालियर की भी टीम आ चुकी है, वो भी रेस्क्यू टीम में जुटे हुए हैं। नदी लेकिन क्वारी नदी में अधिक बहाव होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन एनडीआरएफ के द्वारा लगातार जाल डाल दिए गए हैं। 2 से 3 किलोमीटर तक लगातार रेस्क्यू जारी है। कई जगह कई टीमें क्वारी नदी में रेस्क्यू कर रही हैं। क्वारी नदी में डूबने से एक जवान की तो मौत हो गई और उसका शव भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन 2 जवान जो एसडीआरएफ टीम के रेस्क्यू करने गए थे वो लापता हो गए थे। 20 घंटे से रेस्क्यू जारी है, देखिए रिपोर्ट। कौन सा गांव है ये? कचोंगरा गांव है और क्वारी नदी यहां पर है। इस डैम पे क्या हुआ था कि विजय सिंह नाम का लड़का था, उसकी गाय फंसी हुई थी, तो वो उस गाय को बचाने के लिए नदी में कूद गया। तो जब वो कूदा तो वो भी उसमें फंस गया, और फंस क्या गया उसमें एकदम अंदर से चला गया। तो उसमें उसका भाई भी आ गया बचाने के लिए, तो उसने देखा कि मेरा भाई फंसा हुआ है, तो वो उसको बचाने के लिए वो भी कूदा तो वो भी फंस गया। तो विजय सिंह तो वहाँ मृत्यु हो चुकी उसकी, अंदर चला गया पानी में, पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं, तो उसमें चोट लगने से उसकी मृत्यु हो चुकी थी उस मौके पर ही। उसे तो निकाल लिया गया, लेकिन उसके बाद जो भाई उसका गया था वो वहीं फंस गया। उसकी हालत ठीक थी लेकिन कुछ रूप से मतलब वो भी। अब यहाँ एसडीआरएफ की टीम पहुंची उनका रेस्क्यू करने के लिए। जी जी, और बताया जा रहा है कि वो भी दो लोग फिर उसको बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम आ गई। तो उसमें 3 लोग एनडीआरएफ के थी और एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बाल्मीकि समाज का व्यक्ति था, तो ये 4 लोग उसमें गए। तो जैसे ही उन्होंने अपनी ये डाली है वो स्टीमर दिनेश को बचाने के लिए, तो तुरंत वो क्या है कि एकदम पानी का बहाव तेज है, ऊपर से डैम है इस वजह से, तो जैसे ही उन्होंने डाली तो वो भी एकदम अंदर से चली गई और पलट गई। पलटने के कारण उनके 2 जवान उसमें चले गए, उनकी जैकेट निकल गई, तो 2 तो उसमें लापता हो गए और साथ ही 1 बचा लिया गया है, और ग्रामीण क्षेत्र से जो बाल्मीकि समाज का व्यक्ति था वो भी बचा लिया गया है। ग्रामीण लोगों ने रस्सी वस्सी डाल के इधर उधर से बचा लिया, बाकी 2 लोगों का अभी कोई पता नहीं लगा हुआ है। एक ग्रामीण की मौत भी हो गई है। जी जी, वो प्रथम में ही हो चुकी थी, जो दूसरा है वो स्वस्थ है। वो अभी स्वस्थ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री गोकुल सिंह भदौरिया है, ग्राम पंचायत का चौंगरा। दोबारा चालू किया, चालू जो अपना जो शादी था। एक मिनट थोड़ा तेज आवाज में बोलिए, आवाज तेज निकलना है रही है। जैसे जानकारी मिली विक्टम वहाँ पे बताया है ये पॉइंट पे, तो हम लोगों ने वोट डाली थी। ठीक है, वोट डालने के बाद वहाँ पे पहुँचे, तब तक बीच में रास्ते में बहुत बढ़ गया और मैं वोट घूम गई। वोट घूम गई, जैसे वोट घूमी उसमें पानी भर गया। पानी भरने के कारण फिर इंजन बंद हो गया। अच्छा, हम सब लोग जैसे बगल में उसके सपोर्ट में बोर्ड के रास्ता पकड़ गया, चलो लोग उसके बाद इंजन चालू करो, फिर कोशिश की, एक बार चालू हुआ, दूसरा साथी था उसको फेंक रहे थे, तब तक फेंक नहीं गया। इसी कारण तो बोट पलट गई थी क्या? उसको पलटी नहीं, पानी भर गया था, हिला ले रही थी, अधिक पानी मिल। जो लोग आपके साथ थे वो तैरना जानते थे? हाँ, सभी तैरना जानते थे, लेकिन उसमें क्या है, उसमें बोर्ड के कारण तैर नहीं पा रहे। क्या बजे की घटना है ये? जो करीबन टाइम की तो 6 बजे समथिंग। कौन कौन था आपके साथ इस हमारे साथ के समय? हरदास सिंह चौहान और हो गया है प्रवीण कुशवा और एक गांव का था और मैं राव। आपको समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग को दी जाती है? लास्ट बार कब ट्रेनिंग दी गई? लास्ट बार दी गई थी मेरे को अभी 6 महीने हुए ग्वालियर। अच्छा, सुनने में आया है कि जैसे आपको ग्रामीणों ने बचाया, ग्रामीणों ने जाकर अंदर, तो जो लोग उसमें थे सभी लाइफ जैकेट पहने हुए? सभी लाइफ जैकेट। तो लाइफ जैकेट के साथ? लाइफ जैकेट क्या है, जो भोर जैसे अधिक पानी हो जाए उसमें फिर काम उस स्तर पर नहीं करती है। जैसे कि भोर में क्या है, कोई भी चीज़ हो, जब बोट घूम सकती है, लाइफ जैकेट में अपन में कितना उसमें घूम के अंदर। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा किस पोस्ट पर है आप? सैनिक एस डी आर। ये जो हम लोग के पीछे क्वारी नदी है, ये एक मौत का कुआ बन चुकी है हम लोग ग्रामवासियों के लिए। हर साल कोई ना कोई मौतें यहाँ पर होती हैं, हर साल कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पर होती है। इसके विरोध में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की मांग है यहाँ पर तो ये पुल बनाया जाए यहाँ पर, और जो डैम है
इसको निर्माण तोड़ा जाए। कहाँ से कहाँ तक मांग कर रहे हैं, कहाँ से पुल कहाँ तक बनाया जाए? अपना ये जो क्वारी नदी का ये पुल है जो अयोध्या को जोड़ता है, अयोध्या को जोड़ता है कचौंगरा से अयोध्या को जोड़ने के पीछे। आज क्यों बैठे, आज क्या मांग है आपकी? आज हम लोगों की मांग पुल की मांग है। मतलब जो हादसा हुआ है, क्या हादसा हुआ है? यहाँ पर 3 मौतें हो चुकी हैं, हर साल मौत होती है और आज 3 मौतें हुई हैं। हम लोगों के गांव का, हम लोगों के परिवार के व्यक्ति यहाँ पर शांत हुए, जो अकेले कमाने वाले थे, अकेले घर चलाने वाले थे, वो शांत हुए। ठीक है, आज जो आपकी जो मांगे हैं, आज कोई चेतावनी भी दोगे प्रशासन? चेतावनी ये है, प्रशासन हम लोगों की मांग नहीं सुनेगी। अगर अलग तरीके, अगर हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर अपनी मांगे रख रहे हैं, अगर प्रशासन सख्ती करता है तो हम लोग भी उसका जवाब देंगे। प्रशासन लगातार जो नदी में सब डूब, प्रशासन यहाँ पर पिकनिक मनाने आया हुआ है। पुलिस प्रशासन जाओ, आप खुद जनपद उपाध्यक्ष? मैं खुद यहाँ पर जनपद उपाध्यक्ष, मैं यहाँ से ही चुन के आया हूँ। प्रस्ताव रखा है कोई आपने जनपद में? जनपद में प्रस्ताव रखा हुआ है, जनपद में भी अपनी पहले से मांग रखी हुई है और ये मांग हमारी बहुत पुरानी है, ये अभी की मांग नहीं। नहीं, अब तो आप प्रतिनिधि के तौर पर हैं, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर जो यहाँ रखा है प्रस्ताव आपने? जी मैंने रखा है, यहाँ पर प्रस्ताव रखा, हम लोगों ने मांग रखी है और कलेक्टर साहब को मैंने बोला है कलेक्टर साहब यहाँ पर आए, हम लोगों की मांग को सुने, उनसे हमारा ये निवेदन। कलेक्टर आया, हमें यहाँ पुल चाहिए। अभी ये आपने बैरिकेड लगा रखे हैं, क्या मकसद है? हम लोगों का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन आया पिकनिक मनाने आया है, यहाँ पर पूरा गम दीन है, पूरा गमी है यहाँ पर इस गाँव में, लोग एक पानी तक नहीं पी रहे हैं, वहाँ पर ये पिकनिक बन रही है, समोसे खा रहे हैं, हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये क्या चल रहा है? आप इसको समझिए ना, तो आप लोगों के लोगों की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, पूरा गमगीन हो चुका है, पूरा अपनी पंचायत, पूरी गांव यहां पर है ना गम में है और आप यहां पर इस तरीके कृत्य कर रहे हैं। जो वाहन उधर निकल गए वो इधर आ पाएंगे? अभी नहीं, प्रशासन पुलिस प्रशासन कोई नहीं आ पाएगा यहां पर जब तक हम लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी। यहां पर हम लोग क्या नाम है आपका? क्योंकि मैं, मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए, मांग हम लोग कई सालों से रख रहे हैं, हर साल हर समय कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पर होती रहती है और हम लोग ऐसे ही मांग रखते हैं और बाकी सांत्वना दे दी जाती है और कोई उसका निर्णय नहीं होता। आप एक बार बताइए, 5 लाख दे दिए, 4 लाख दे दिए, हैं इससे जिंदगी, जिंदगी कीमत इससे बड़ी है क्या, छोटी है क्या? आप इस चीजों की समस्याओं को ये लोग सुनना नहीं चाहते, हर बार फिर आएंगे, फिर वही चीज बोल के चले जाएंगे, फिर वही परिस्थिति आ जाएगी। जो पूरा घटनाक्रम कल हुआ है ये सारा आपके संज्ञान में है, कैसे घटा हुआ है? जी हम लोगों के संज्ञान में, कैसे घटना पूरी है यहाँ पर है ना, हम लोगों के वो बताएंगे, दाऊ बताएंगे कि यहाँ पर सुनो, आपके यहाँ जो कल घटनाक्रम हुआ है क्या क्या है पूरा माजरा? प्लस प्रसाद लूट था यहाँ पर, यहाँ पर कुछ गाय फंसी हुई थी, ग्रामीण के लोगों ने वहाँ पर जाके, हम लोगों ने 3-4 लोगों ने उनको निकालने की कोशिश भी करी, यहाँ पर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन भी नहीं रखा हुआ था रोकने का, एक व्यक्ति था पुलिस का और वो भी जब वहाँ पर व्यक्ति हमारे फंस गए हैं, 3 घंटे तक यहाँ फंसे रहे हैं और 3 घंटे बाद प्रशासन आया है, हम लोगों ने शायद खबर, हम लोगों ने खबर भी कर दी थी, 3 घंटे बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया और उसमें भी जाने नहीं दे रहे हैं, उसमें भी रोक रहे हैं, सामने व्यक्ति फंसा हुआ है, मर रहा है, दिखाई दे रहा है और फिर हम लोग सब ग्रामीण के क्षेत्र, ग्रामीण के लोग गए, हम लोग सब लोग गए हैं और उनको निकाला है वहां से। जो हमारे सारे लड़के तैरने वाले हैं उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, फिर उन्हें कह रहा है वीडियो बनाओ, वीडियो बना के और उसमें पता नहीं क्या बात है, करे 72 घंटे तक देखो ये लोग आए तो उधर 4 लोग उन्होंने दसा, एक हमारे गाँव का था, 3 मतलब पुलिस वाले थे, अंदर गए नहीं मतलब वो स्टीमर वाले थे, वो 3 लोग थे स्टीमर वाले, तो वो जब फंस गए ना तो ये लोग ये बोल रहे थे, वो मतलब थे और भी लोग थे कि उनको 72 घंटे की ट्रेनिंग दी गई है, उनको कुछ नहीं होगा और उसके बाद जब हम लोगों ने बचाया ना उनको, ये बोला कि मतलब रस्सी वगैरह डाले तो रस्सी डालने नहीं दी, फिर हम लोगों ने जबरदस्ती रस्सी डाली उसमें, तब 3 लोग बचा पाए, अगर पहले डल जाती रस्सी वो एक भी लोग नहीं मरते। ये सारा जो रेस्क्यू में 3 लोगों को सुरक्षित बचाया है वो ग्रामीणों की मदद से बचाया, ग्रामीणों की मदद से बचाया है। जो नदी तेज बहाव हुआ है मुनादी कराई गई है पुलिस के द्वारा, जो संबंधित अधिकारी होते हैं मुनादी कराई होगी? कुछ नहीं कराया, कम से कम स्टीमर वाला फंस गया था ना प्रशासन वाला, वो भी हम ही लोगों ने बचाया है, जो बंदा भी एक बचा है शिवम भदौरिया। ठीक, थैंक यू। आपको
आपकी जान तो आप इनसे घर से मत मारिए, आपकी कोई ड्यूटी नहीं आएगी। इनके केस क्या हुआ आपके साथ? आपकी जान बचाते बचाते सही बड़ी संख्या में जो ग्रामीण इनसे नहीं लिया वो भाई हेलो भाई आप जात रहे सुनिए आप मतलब ये बोल रहा है हमसे नहीं लेती जनता का।